अभी हम लोग यहाँ पे टैंडी रोड में है जहाँ पे बेंगलोर का शाहीन बाग बना गया है। अभी हम लोग चंद लेडी से बात करते हैं, ये प्रोटेस्ट क्या है और शाहीन बाग जैसा करना चाहते हैं या कैसे, इस प्रोटेस्ट के बारे में जानते हैं। ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये 3 दिन से चल रहा है प्रोटेस्ट और हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शाहीन बाग में जो हालत है, हम चाहते हैं सेकेंड शाहीन बाग इधर बने, बिलाल बाग इधर बने। हम जैसे हमारे औरतें बहनें जो साथ दे रही है, अगर ऐसे ही वो कंटिन्यू देंगे तो हम लोग शाहीन बाग जो दिल्ली में बना वो यहाँ पे बेंगलुरु में बिलाल बाग बनाने की हम लोग ठान के बैठे हैं। अभी तो जो लोग पुलिस वाले हैं वो भी बोले हैं कि 5 बजे तक हम यहाँ बैठ सकते हैं, 5 बजे के बाद ये वाला निकाल देंगे, निकालने दो फिर भी हम बैठेंगे। तो आपको परमिशन कब तक मिली थी? परमिशन ही नहीं मिली हमको, इसको परमिशन कैसे लेंगे? प्रोटेक्ट को कहाँ पे परमिशन लेते हैं, कोई नहीं लेता है प्रोटेक्ट को परमिशन। कुछ फंक्शन कुछ करेंगे तो लेंगे, हम लोग सब कुछ घरदार छोड़ के, बच्चे बच्चे छोड़ के हम लोग आके 3 दिन से कंटिन्यू, एक मैं तो एक भी रात नहीं सही हूँ, अभी तक आँख नहीं मूंछी हूँ 3 दिन से कंटिन्यू मैं रख रही इधर हूँ। तो डिमांड्स क्या है आप लोगों के? NRC CAA NPR नहीं करना है हमको। हाँ, मैं अभी आई हूँ, मैंने सुना कि यहाँ बिलाल बाग जो प्रोटेस्ट साइट है वो शाहीन बाग की तरह यहाँ पे करने का कुछ एफर्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सुना तो मैंने सोचा आके देखती हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है क्योंकि मुझे लगता है बैंगलोर में अभी तक जो प्रोटेस्ट हुआ है उससे थोड़ा अलग है, ये सिट इन प्रोटेस्ट है, इनफाइनाइट इन लोग को रखने का ख्याल है, पोस्टर्स है, काफ़ी सारी औरतें आके बैठी अपने बच्चों के साथ, अपना काम वाम घर का काम छोड़ के, तो काफ़ी मतलब क्रूशियल ये साइट है मुझे लगता है प्रोटेस्ट का। व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मुझे लगता है जो लोग घर पे बैठ के ये सब देखते हैं उनको आना चाहिए, उनके टाइम पे उनको जब भी टाइम मिले ऐसी प्रोटेस्ट साइट पे आके अपनी सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि हर एक सिटीजन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब जो सिटीजन्स ये क्वेश्चन करें उनके साथ उनको सपोर्ट करें। आपके क्या डिमांड्स हैं मैम इस प्रोटेस्ट से, आप क्या चाहती हैं? नहीं, मैं तो मतलब विजिटर की तरह हूँ, जैसे बताया कि प्रोटेस्ट का डिमांड जो बहुत सारी जगहों पे हो रहा है कि CAA NRC और NPR जो बहुत ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भारत सरकार देने जा रही है तो उसको रोका जाए, डिटेंशन सेंटर को बंद किया जाए और इस सिटीजनशिप के बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसको लिया जाए, ना कि इम्पोजिशन की तरह से। जैसे हमें यहाँ को रोड पे बैठकर हमारे हक के वास्ते लड़ी सारी औरतें घर के बाहर निकल को इसी तरह हमारा साथ देते हुए उन्होंने भी अपने हक को लड़ने के वास्ते इधर आना। तो आपका ये प्लान कब से, मतलब ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है और कब तक रखने का प्लान है? फिलहाल तो हमें 3 दिन से ये कोशिश कर रही, रात दिन ही सारे औरतें जुड़ को ही, इसलिए हमें भी कोशिश करें जब तक हमें हक नहीं मिलता तब तक हमें ये फाइट लड़ते रहती। आओ यारो देश बचाए, मत डरो सरकारों से, पूरा भारत जीत रहा है आजादी के नारों से, देखो देश बोलो, देखो देश भारत का कानून हमारी जान से ज्यादा प्यारा है, सावरकर के शेरों से कह दो भारत देश हमारा है, देखो देश NRC कानून बनाकर पब्लिक को भटकाते हैं, मरना गिरा यहीं पे होगा, ये अधिकार हमारा है, जो चक्की पीसे जेलों में और गोली खाई सीनों में, इन वीरों की कुर्बानी पर हम जान छिड़कने वाले हैं, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, गांधी जी के सपनों को साकार तुम्हें अब करना है, भारत के कानून की रक्षा जान से ज्यादा करना है, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, नफरत का बाजार गर्म है बीजेपी गलियारों में, हिंदू मुस्लिम एकता पर अब जान निछावर करना है, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम। Thank you.
दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तानाशाह के जाएंगे, आंसू गाद उछालोगे, शहर की चाय उबालोगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम प्यार की शक्कर घोल के इसको गटगट पी जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है, नहीं दिखाएंगे। देश ही अपना हासिल है, कागज नहीं दिखाएंगे। जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है, कागज नहीं दिखाएंगे। अरे मिट्टी को कैसे बांटोगे, कागज नहीं दिखाएंगे। का ही खून तो शामिल है, कागज नहीं दिखाएंगे। तुम पुलिस से लाट पड़ाओगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। मेट्रो बंद करवाओगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम मंजी यहाँ बिछाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम मंजी यहाँ बिछाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम संविधान को बचाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम संविधान को बचाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम जन गण मन भी गाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम जात पात को बांटोगे, कागज नहीं दिखाएंगे। इंसाफ मांगते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम आज़ादी मांगते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम भारत मांगते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। आजादी, अरे CAA से आजादी, और NPR से आजादी, और NPR से आजादी, और NRC से आजादी, और NRC से आजादी, मनोवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, आतंकवाद से आजादी, मोदी शाह से आजादी, मोदी शाह से आजादी, BJP से आजादी, RSS से आजादी। तुम कुछ भी कर लो आजादी, तुम पुलिस बुला लो आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। मेरी बहने मांगे आजादी, मेरी अम्मी मांगे आजादी, और भाई भी मांगे आजादी, और बच्चे मांगे आगे से बोलो आजादी, और पीछे से बोलो आजादी। है हक हमारी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जोर से बोलो आजादी, और जोर से बोलो आजादी, और जोर से बोलो आजादी। जरा प्यार से बोलो आजादी, जरा प्यार से बोलो आजादी, और होले बोलो आजादी, और होले बोलो आजादी, और धीरे बोलो आजादी, और धीरे बोलो आजादी। गुस्से से बोलो आजादी, गुस्से से बोलो आजादी। है हक हमारी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। है जान से प्यारी आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। आजादी 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 आजादी।